जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा का आप अक्सर ऐड और बहुत ढेर सारे नुस्खे यूट्यूब पे लोगों द्वारा बताए जाते हैं, आप सुनते भी हैं, कुछ दिन करते भी हैं और फिर करके छोड़ देते हैं, उसका कोई भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ओबेसिटी आपको है या नहीं है, और ओबेसिटी अगर आपको है यानी मोटापा है तो वो कैसे आसानी से दूर किया जा सकता है बिना किसी के मदद से। आप अपना खुद से माइंड लगाएं और देखें कि आप में मोटापा किस कारण हो रहा है, मोटापा है या नहीं है। कुछ लोग मस्कुलर होते हैं तो वो अपने आप को स्लिम क्लीम करने के चक्कर में उल्टी सीधी दवाएं खाना शुरू कर देते हैं, अपने डाइट को बहुत ही पुअर कर देते हैं। तो उस कंडीशन आज मैं पूरा ए टू जेड सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मोटापा ओबेसिटी यह बहुत ही कॉमन है इस समय हमारे देश में और साथ ही साथ हमनिया में। मोटापा एक बहुत गंभीर विषय है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो लोगों की दिनचर्या इस कदर ख़राब हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं एसी में, कोई वर्क नहीं, और तमाम जो दवाओं का सेवन की जो बढ़ोतरी हुई है उसका भी असर अच्छा खासा मोटापा बढ़ाता है। आपको मोटापे पे दिखेगा, आपका वेट गेन होगा। कि मोटापा होता क्यों, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा इकट्ठा क्यों होने लगता है। फैट का होना बहुत ज़रूरी है हर एक बॉडी में और होता भी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपकी बॉडी का वजन बढ़ रहा है तो आपको सबसे पहले अपना जो चेकअप एक कराना चाहिए, थायराइड, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल। ये तीन टेस्ट आपको करवाने ही करवाने हैं, या फीमेल है पीसीओडी का भी वो टेस्ट करवा सकती है। अगर ये सारी चीज़ें इनबैलेंस है तो आपका वजन बढ़ेगा। आप कोई नुस्खा कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपका वजन बढ़ेगा। तो आप नुस्खों पे और जो सोशल मीडिया पे वीडियोस रील्स हैं उन पे ना जाए, ऑथेंटिक किसी डॉक्टर की सलाह लें। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो पहले आप उसका ट्रीटमेंट करें, उसके बाद आप वज़न पे ध्यान दें, क्योंकि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ रहा है उसको, उसका लेवल अगर बढ़ता ही रहा, थायराइड का लेवल बढ़ता रहा या लीवर की आपको प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम बढ़ती रही, तो आपकी बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है और जटिल हो सकती है। उस समय आपको ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ेगी ही, जाहिर सी बात है, हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो मोटापे के चक्कर में आप उल्टी सीधी दवाएं बिल्कुल भी ना खाइए। अब हम कुछ बात करते हैं जो वाकई अगर आपने टेस्ट कराए, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं, हम वेल, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो आप कुछ चीज़ें करिए। कुछ मैं आपको होम्योपैथिक दवाएं भी बताऊंगा, आप उनका सेवन करिए और अपना वज़न कम कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो मेरी यही सलाह है, जो भी वज़न कम करना चाहते हैं वो अपना पहले कुछ टेस्ट करा ले। टेस्ट बहुत ₹1000 के अंदर में ये सारे टेस्ट हो जाएंगे। अगर टेस्ट नहीं कराता है और अपना वज़न कम करना चाहता है तो उसको ध्यान देना है कि अपने डाइट पे विशेष ध्यान देना है। आपको फैटी चीज़ें और मॉर्निंग टाइम में मैदे युक्त चीज़ें जैसे ब्रेड हो गए, टोस्ट हो गए, रस हो गए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाने में शामिल करें, जैसे सैलेड हो गया, रोटियां हैं तो उसको, उसका जो आटा होता है उसको थोड़ा उसमें आप चोकर रहे, ऐसे फाइबर आप ले सकते हैं। और आप मौसमी फल का सेवन करें, दालों का सेवन करें, बहुत ज़्यादा नॉनवेज ना खाएं। मैं बोलता हूँ कि नॉनवेज में जितनी भी चीज़ें हैं आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज में इतने ज़्यादा स्टेरॉइड, चिकन जैसे एक मुर्गा होता है, चिकन में इतने ज़्यादा स्टेरॉइड लगता है कि अगर आप कंटिन्यू 1 से 2 साल कर लो, आपको थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम 110% होना